गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरा आज का जो व्लॉग है, ये है मेरा व्लॉग, संडे का व्लॉग है। तो मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में आज मैं ब्रेकफास्ट में चिल्ला बना रही हूँ, सूजी और बेसन का चिल्ला, जो कि मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर रखी है। तो इसलिए रेसिपी मैंने पूरा अच्छे से शेयर नहीं की, बाकी बनाते समय आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेसन और सूजी को मिक्स किया है, और इसमें हल्दी मिक्स की है थोड़ा सा, और हरी मिर्च है, प्याज, ये सब मिक्स करके मैं इसको चिल्ला बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट में। तो और चटनी है, टमाटर धनिया की चटनी है आज, तो आज यही होगा ब्रेकफास्ट। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे चिल्ले बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम कर लेंगे नाश्ता, यानी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और मैं इसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, मतलब पूरा डे का सोचा था बट पूरा दिन का नहीं कर पाई हूँ। अब इसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिलूँगी, बात करूँगी। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा देखा, आज मॉर्निंग से ही मैंने व्लॉग में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि जो सोचो उतना मतलब होता है ना, कि अक्सर सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता, मेरा तो अक्सर भी नहीं होता है, तो वही हुआ। और फिर मैंने जितना वीडियो बना पाई उतनी आप लोगों के साथ आगे देखा ही होगा आपने। अभी शाम का टाइम हो गया है, नहीं अभी बज रहा है 9 बज रहे हैं, खाना डिनर हो गया है, मैंने डिनर कर लिया है। और दोपहर मैं कल शाम को चली गई थी फिर मार्केट, तो मार्केट की मैंने वहाँ की कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ दिल से, अभी तो शेयर नहीं करती हूँ, आगे कभी फिर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरा ये ससुराल है तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है मैं कैमरा लेके मैं वीडियो बनाऊँ, तो समझ सकते हो अभी। और तो मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई, और हाँ इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड की राखी आ गई है, उनकी बहन ने उनको राखी भेज दी है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उन्होंने कुछ गिफ्ट भी दिया है राखी के साथ, तो आप लोगों को दिखाऊंगी उनकी राखी सबसे पहले। और मैं राखी लेने गई थी मार्केट, तो वो आपको दिखाती हूँ मेरी राखी कैसी, कौन कौन सी कैसी कैसी है बताइएगा ज़रूर, कि अच्छी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आया है मेरे हस्बैंड का, तो मेरी बीबी देखेंगी नंद जी, तो शायद अच्छा लगे उनको मैंने वीडियो में दिखाने का। और उनको मिला है इसमें आया है उनका गिफ्ट और राखी, तो राखी में, और देखिए ये इसके अंदर था, ये पिलो थी, ये पिलो, इस पर लिखा हुआ है यू आर द बेस्ट ब्रो लिखा है। तो ये उनकी सिस्टर ने दिया है आपको, मैं जरूर दिखाऊंगी, और पॉलिथीन उठ रही है। और क्या है गिफ्ट में, ये दिया है, और ये रही राखी, ये हस्बैंड की राखी जो आई है, आप लोग देख ही सकते हैं कैसी लग रही है, आपको बताइए, बहुत अच्छी है ना। और क्या है, ये कार्ड है रक्षाबंधन की विशेष के साथ है, ये कार्ड है इसमें जो दिया है। और ये शायद उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था, और जब ये आया है रिसीव हुआ है, तो मैंने नहीं लिया है, मम्मी लोगों ने लिया था, तो वो पहले ही ओपन कर चुकी थी, इसीलिए आप लोगों को मतलब ओपन करते हुए नहीं दिखा पाई मैं। और ये देखिए रोली और चावल भी इसके साथ ही आया है। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का जो गिफ्ट आया, उनकी बहन ने उनको दिया है, उनकी राखी आ चुकी है, और कल है रक्षाबंधन, और ये दो दिन पहले ही आ गया था, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, दो दिन पहले ही आ गया था। और मैं राखी लेकर आई हूँ, तो ये देखिए, क्योंकि मेरे चाचाओं के राखी भी हैं, तो घर में काफ़ी लोग हैं, उन लोगों को सबको राखी बांधनी पड़ती है मुझे, तो दो तो राखी मैं पहले दिखाती हूँ मेरी दोनों बेटियों के लिए, क्योंकि उनके भाई तो हैं नहीं, तो दोनों एक दूसरे को ही बांधते हैं। तो ये देखिए दोनों राखी कैसी लग रही है, अच्छी है ना, बच्चों की राखी, तो दोनों को सेम लेकर आई हूँ, और इसमें लाइट भी जलती है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए
कैसे ऑफ हो गई। और ये रही दो राखी, ये हैं मतलब बहुत सारी राखियाँ हैं मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँगी। अभी थोड़ी देर में बैक कैमरा करके दिखाऊँगी। बैक कैमरा क्या करती हूँ, आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, सोच रही थी बैक कैमरा करके दिखाऊँगी। तो दो धागे लिए हैं मैंने, ये ओम लिखे हैं, ये देखिए ओम है, और ये हैं अलग अलग डिज़ाइन में लिए हैं, और ये देखिए ये मैंने ली है, मेरी भाभी की बेटी है उसको बांधूंगी, बच्चे हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुरू बसते नहीं है ये ऐसी ही सिर्फ खोल के दिखाती है। बहुत सुंदर लगी है मुझे, बहुत अच्छी लगी है वाली राखी, ये देखिए ये ऐसे है करके। तो देखती हूँ किसको बांधूंगी, पता नहीं अभी, भाई अगर भैया को बंधवाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, अपने भैया को बांधने का मन था, बट देखते हैं किसको बांधा जाता है ये राखी, पर ये छोटे बच्चों के साइज ज़्यादा अच्छी लगेगी, मुझे बहुत सुंदर लग रही, अच्छी लग रही है कि नहीं आप लोगों को बताइएगा। ये देखिए यह कम है राखियाँ, वो मैं कल जाते समय ले लूँगी, तो ये फ्लो भी कैसा लगा बताइएगा, तो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। चलिए फिर, और चलिए फ्रेंड्स अभी नाइट का समय हो गया, मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, तो आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बाद मैं वीडियो का एंड कर दूंगी। तो बताइएगा वैसे मुझे मेहंदी लगानी, जैसे कि आप लोगों ने देखा मुझे मेहंदी पहले भी दिखा था, मैंने अपनी बेटी को लगाया था, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, पर रक्षाबंधन है, मैं हमेशा से रक्षाबंधन पर मेहंदी लगाती हूँ, तो आज भी लगा रही हूँ, एक ही हाथ पर लगाऊँगी। और मेरी बेटी ना आज, और इसलिए भी मैं ब्लॉग पूरा शेयर नहीं कर पाई, सॉरी हमें आपको बताना भूल गई थी कि मेरे भैया आ गए थे बीच में, तो उनको चाय वगैरह अचानक से आए थे, तो मेरी बेटी जा चुकी है, बड़ी बेटी नव्या, उसको ले गए हैं भैया, ताकि अब हम लोगों को भी बस, मैं छोटी बेटी, मेरे हस्बैंड जाएंगे कल, वो मेरे को लेके जाएंगे घर पे, तो आसान रहेगा क्योंकि बाइक से क्या होता है कि तीन लोग नहीं आ पाते, बाइक भी छोटी है, तो अभी मैं तो अच्छी खासी हेल्थी हूँ तो नहीं हो पाता है बाइक से, तो इसीलिए वो मेरी बेटी चली गई है, अब मैं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड जाएंगे, और बेटी की अभी एक दो दिन वो वहीं रहेगी शायद, उसका मन लग रहा है, वो उसको आने का, उसको वहाँ बहुत अच्छा लगता है अपने नानी के घर। तो चलिए फिर मैं इसके बाद में, आप लोग मेहंदी देखिए, और मेहंदी देखने के बाद में वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार सॉरी मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं मेरी वीडियो, अगर अच्छी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रोज़ डेली नहीं तो मतलब अक्सर मैं डेली ही कोशिश करती हूँ वीडियो अपलोड करने की, तो अगर बेल के साथ करेंगे आप मेरे को नोटिफिकेशन के साथ, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो चलिए मेहंदी देखिए, अभी मेहंदी का डिज़ाइन देखिए, मेहंदी कैसे लगाती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने आपको अभी राखी दिखाई दी, पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फिर से मैं बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से मेरी राखी दिखे।